डायरी ढूंढ रहे हैं? हाँ, आज का किस्सा तो लिखना ही पड़ेगा। अब ये मत कहना कि आज का किस्सा लिखने की क्या जरूरत है। डायरी कबर्ड की दूसरी ड्रॉर में है, मैं दे दूं? पिछले 3-4 दिन का लिखा बदलना पड़ेगा ना। पिछले 3 दिन से मैं आपसे झूठ बोलती आ रही हूं। वो सारा बदलना पड़ेगा। थोड़ा पानी दोगी? इस डायरी में जो लिखा है उसे तो मैं मिटा दूंगा, पर मेरे दिल पे जो गुजरी है उसे कैसे मिटाऊं? थोड़ा डांटिए ना मुझे। इस बात के लिए डांटो लीला, मुझसे झूठ बोलकर टीवी सीरियल में रोल करने गई इसलिए? कोई गुनाह नहीं है जो उस बात का मुझे बुरा लगे? उल्टा कुछ बातें आज साफ हो गई। पता है कभी कभी मैं अपनी ये डायरी यहां घर पे छोड़ के क्यों जाता हूं? कभी कभी मैं तुमसे कहता हूं कि लीला मैंने कुछ लाइन्स इंग्लिश में लिखी हैं, उसके स्पेलिंग चेक कर लेना। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता आया हूं कि मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह रहे, पति पत्नी के बीच कुछ छुपा ना रहे। इसलिए मैं कभी कभी अपनी ये डायरी घर पे छोड़ जाता था। शादी की बुनियाद सच पे टिकी होती है लीला। लेकिन तुमने एक झूठ बोलकर मेरे विश्वास को हिला दिया। अब मुझे शायद ये ख्याल भी आए कि पहले भी शायद छोटी मोटी बात के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला हो। नहीं नहीं, मैं डिंपल की कसम खाती हूं, मैंने पहले ऐसे कभी नहीं किया। किया भी हो तो ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ शिकायतें हैं हमारी शादी को लेके। मैं जब पहली बार आया था तुम्हें देखने, तब तुम्हें इंतजार था अपने सपनों के राजकुमार का, जो उड़ते घोड़े पे ना सही लेकिन गाड़ी में बैठकर जरूर आएगा। और फिर जब मैं आया तो तुमने मुझे रिक्शा के पैसे चुकाते देखा, और हमारा रिश्ता पक्का होते ही तुमने अपने सपनों की गाड़ी से एक पहिया निकाल दिया। ये सब किसने आपको ये सब? मुझे कैसे पता चला? ये छोड़ो लीला, पर तुम्हारे सपनों की गाड़ी के खालीपन को मैंने भी महसूस किया है। उस पहिए की खाली जगह पे मैंने अपने आप को जोड़ने की कोशिश भी की, पर इतना तेज दौड़ नहीं पाया मैं लीला। क्या करूं, बहुत मामूली इंसान हूं मैं।
अपने आप को बदल नहीं सकता। सो तुमने झूठ बोल के अपना एक सपना पूरा किया, तो मुझे बुरा मानने का कोई हक ही नहीं।